टैलेंट है, टैलेंट है यार, इतने ओम क्या। हां टैलेंट है, टैलेंट है। शॉट है। Pick it up. You see the drip, I'm fitted up. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, get the bus. Right now we have the man of the hour with us, the new poster boy for every Indian cricket fan. Please welcome Rinkू Singh. आपका बहुत बढ़िया सीजन रहा केकेआर के साथ, उसके बाद द बिग मोमेंट आल्सो हैपेंड इंडिया कैप, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ईयर लॉन्ग अच्छा परफॉर्मेंसेस रखने के बाद रिंकू सिंह इज बैक इन केकेआर। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को कैसे कैपिटलाइज करके इस साल आप आईपीएल में उतरेंगे, व्हाट कैन द फैंस एक्सपेक्ट? नहीं मतलब लास्ट से भी मतलब जब आईपीएल खेला मैं केकेआर के लिए, मतलब जैसी जो मतलब माहौल था टीम का, काफ़ी अच्छा माहौल था, तो वो पार्ट ऑफ द गेम है कि हम क्वालिफाई करें नहीं करें, तो हमारी टीम बहुत अच्छा खेली तो वो काफ़ी अच्छा माहौल था। और जब मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया फिर उसका मुझे मतलब रिवॉर्ड दिया बीसीसीआई ने जब सेलेक्ट करा, तो काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पर, राहुल सर और विक्रम सर थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी कम्फर्टेबल रखा हुआ था वहाँ पर, तो उसी वजह से हम फ्री खेल लेते वहाँ पर। जैसे मतलब जब मैं बैटिंग पर आता था फ्री माइंड से आता था। अब यही है कि यहाँ पर भी एकदम अच्छा माहौल है काफ़ी, मतलब अभी चंदू सर और अभिषेक सर से तो अभी उनको जानता हूँ, जब जीडी सर आए तो उनसे थोड़ा बातचीत करूँगा उसको और थोड़ा कंफर्टेबल होगा सर के साथ। वही मतलब आपका कोचिंग स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली। आपने बोला चंदू सर के बारे में, अभिषेक सर भी है और इस साल गौतम गंभीर सर भी ऐड हुए, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ हिम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लग रहा है सर के साथ, और आगे मतलब और काम करेंगे बैटिंग पर और मतलब माइंड सेट पर। भैया का दिमाग कैसा चलता था जब भैया खेलते थे, तो बातचीत करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। आप बोलो अब सिक्स तो है। नाइन ओ क्लॉक।